हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले जून अपडेट के बारे में। काफी कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स वगैरह सब कुछ निकल चुके हैं, कंफर्म जो लीक्स है जो रहने वाला है। एंड जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था एक मैजिकल पोर्शन के बारे में वीडियो बना के, तो उसके बारे में भी यहाँ पर लीक कन्फर्म हो चुका है कि वो मैजिकल पोर्शन आने वाला है। उसका क्या कुछ काम है सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने पेज पर, जहाँ पर अपन को सारी इन्फॉर्मेशन है, स्नीक पीक्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर डेरियन चाचा जी ने ये पोस्ट किया है, जून अपडेट 2019 स्नीक पीक हैशटैग 1 द रिसर्च पोर्शन। तो उस पोर्शन का नाम होने वाला है रिसर्च पोर्शन गाइस। तो यहाँ पर उसकी फोटो अगर आप देखोगे तो गाइस ये देख सकते हो यार, रिसर्च पोर्शन की ये फोटो है। एंड ये क्या करने वाली है, तो गाइस सिंपल से वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ, इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना पड़ेगा। गाइस ये आपकी लेबोरेटरी को 10x बूस्ट कर देने वाली है। आपकी लेबोरेटरी 10x जल्दी जल्दी काम करेगी। एंड आपका लैब में ये आप देख सकते हो, स्पीड अप योर लैब रिसर्च टाइम बाय 10x फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए करने वाली है। तो एक घंटे में 10 घंटे का काम एक पोर्शन कर देगी। अगर आपने कुछ चीज अपग्रेड पर लगाई है तो एक घंटे में 10 घंटे का वो आगे चला जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, चेंज द लीक शॉप, यहाँ पर लीक शॉप चेंज होने वाली है। मेन ऑफ द फोकस क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको 10-10 क्लैन वॉर लीक के जो पॉइंट्स है उनसे यहाँ पर आपको ट्रेनिंग पोर्शन एंड रिसोर्सेज पोर्शन मिलेगा। एंड रिसर्च पोर्शन के लिए 20 points, बिल्डर पोर्शन के लिए 30 points एंड वॉर रिंग के लिए आप देख सकते हो 50 points कर दिए गए हैं। तो ये तो पहले भी था बट ये पोर्शन यहाँ पर एड हो चुकी है। एंड वन ऑफ द रोस्ट अपडेट गाइस, सबसे बेकार थर्ड क्लास घटिया, सीरियसली इस बात को सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। एक पल को तो मन कर रहा था क्लैश ऑफ क्लैन खेलना ही छोड़ दूं मैं, इतनी बेकार चीज इन्होंने कर दी है ना। आई कांट एक्सप्लेन दिस चेंज टू मैजिक हैमर्स। सो गाइस जो ये वाला अपडेट आने वाला है ये बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, बहुत थर्ड क्लास है। मेरे को सीरियसली ये अपडेट सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं। एंड इस चीज की तो मैं केक के लेने वाला हूँ। एंड मतलब क्लैश ऑफ क्लैन चाहता क्या है, या तो पहले उसको देना नहीं था मैजिक हैमर का अपडेट, अब दिया है तो ये कूल डाउन वाला टाइम। इसने मेन ऑफ द फोकस में क्यों एंगर हूं यहाँ आपको मैं बताता हूँ। तो ये फोटो देखिए गाइस, अगर आपने मान लो बुक ऑफ क्या हैमर ऑफ बिल्डिंग परचेस किया तो गाइस आपने 120 दे दी एंड परचेस कर लिया, यूज कर लिया। एंड जो सेकंड वाला होगा उसको आप आफ्टर 7 days यूज कर पाओगे। 7 days से पहले भले आपके पास पॉइंट्स है, आप उस चीज को यूज नहीं कर पाओगे। यार ये क्या बात हुई यार गाइस, सीरियसली मैं मतलब सोच रहा था मेरा टाउन हॉल 11 मैक्स हो चुका है, वॉल्स बाकी है तो मैं अभी वॉल्स अपग्रेड करने पे फोकस कर रहा हूँ। तो गाइस CWL आएगा, पॉइंट्स इकट्ठा होगा, मैं वॉल्स ही बचा है मेरा और मैक्स हो चुका है तो मैं कुछ अपडेट तो कर ही नहीं सकता। पॉइंट्स इकट्ठे हो गए मेरे पास, ऑलमोस्ट 500 points हो गए थे CWL के। एंड अभी एक स्टार्ट भी हुआ उसका, अब मेरे को मिलने वाला था। तो गाइस क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने 7 डे कूल डाउन टाइम ला दिया, मतलब एक हैमर परचेस कर लिया उसके बाद 7 डेज के बाद ही मैं परचेस कर सकता हूँ। तो ये वन ऑफ द रोस्ट अपडेट है क्लैश ऑफ क्लैन का। एंड या तो इनको पहले ये 7 डेज का टाइम शुरुआत से डालना था, एक बार तुम डालते नहीं हो फिर तुम एकदम बीच में लाकर डाल देते हो, यार ये चीज गलत है। आपको क्या लगा एंड कैसा लगा आपको ये अपडेट, ये चेंज टू मैजिक हैमर्स, ये बिल्कुल रोस्ट अपडेट है, वन ऑफ द रोस्ट क्लैश ऑफ क्लैन अपडेट एवर। इसलिए थंबनेल में मैंने लिखा है, जो भी लिखा है आपने, जो भी थंबनेल पढ़ा है वो मैंने इसीलिए लिखा है, सबसे बेकार थर्ड क्लास घटिया अपडेट है क्लैश ऑफ क्लैन का ये। एंड ये नहीं होना चाहिए था सीरियसली। अब आप क्या कर सकते हो, अब अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं ट्वीट करने वाला हूँ वन ऑफ द बैड अपडेट एंड दिस टाइप में एक ट्वीट करूंगा, तो आप भी ट्वीट करिए @ClashOfClan@ClashOfClanIndia, इन पेजेस को टैग कीजिए फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, अदरवाइज ट्विटर है ही, तो सब जगह पोस्ट करिए। होप सो ये अपडेट ना आए, बट आके ही रहेगा, अब उन्होंने ऑफिशियल पोस्ट कर दिया है तो क्या कर सकते हैं। तो गाइज ये एक बैड अपडेट था जो मेरे को बुरा लगा, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात करी। तो यही था अपडेट, ये आने वाला है, इसी जून में आने वाला है, विद इन अ सेकंड वीक में आ जाएगा आई थिंक सो। तो देखते अभी क्या कुछ आता है। एंड मेरे को तो बिल्कुल बेकार अपडेट लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो भी लाइक करना, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, नीचे लाल कलर का बटन है दबा देना गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।